नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला प्रमुख हरलाल सहारण की अध्यक्षता में आज जिला परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि अधिकारी ग्रामीण जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता से कार्रवाई कर राहत दे और अपनी सेवाओं में बेहतरी बनाए रखें। भारतीय की सीमा की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, सावा के वीर कमल को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दें। साधारण सभा में जिला प्रमुख हरलाल सहारण, विधायक राजेंद्र राठौड़ व अभिनेश महर्षि ने भी जिले से संबंधित विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं इस सभा में जिला प्रमुख हरलाल सहारण का राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में अभिनंदन भी किया गया। चूरू जिला परिषद का आज अंतिम साधारण सभा की बैठक है। सभी लोगों ने हमारे वर्तमान जिला प्रमुख जी को बधाई दी है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी ने स्वीकार किया है कि 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रमुख जी के नेतृत्व में जिले में शानदार विकास के काम हुए हैं। ये मंच बना है गांव की समस्या के निदान का। और वर्तमान सरकार में आज जो हमारी बात हुई, हमारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत पंचायत समितियों में जो हमारा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का पैसा जिस प्रकार रोका गया है इस बार, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। और अब पंचायतों के चुनाव के अंदर इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, पुनः चुन कराएंगे, जिला परिषद में पुनः इन्हीं को बैठाएंगे। इसी बात को लेकर आज हम संकल्पबद्ध होकर इस अंतिम सभा में अपनी बात को कहकर निकल रहे हैं। चूरू की नई सड़क स्थित एक मोबाइल शोरूम में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 12,50,000 की कीमत के मोबाइल फोन सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शोरूम का मुआयना किया। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी है। जाकिर खान के नाम से ठीक है, और रात को यहाँ ताला लगा के यहाँ से गए थे। और उसके बाद अभी सुबह मेरे पास जाकिर खान का फोन आया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं, आप दुकान जा गया हो। मैं यहाँ दुकान आया तो दोनों ताले लगे हुए थे, शटर बाहर की तरफ खींच के और फिर अंदर कोई बड़की है, उन्होंने मान लिए गए। जो स्टॉक पड़ा था लगभग 12.5 लाख रुपए का स्टॉक था, वो स्टॉक ले गए और लगभग 35-46 के आसपास केस था वो ले गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने आज सुजानगढ़ में छापर रोड पर जलदाय विभाग एवं आपणी योजना के कोठियारी कुंज स्थित पंप हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान पंप हाउस के बाहर बने फ्लो मीटर, वॉल्व चैम्बर, स्विच गियर रूम का निरीक्षण किया व पेयजल वितरण व्यवस्था, क्लोरिनेशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आज सादुलपुर पहुंचने पर खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम डोकवावाला के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। 1 वर्ष जनता सकते में रही, आम आदमी असुरक्षित रहा, कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान जिस प्रकार की जर्मरता का कानून व्यवस्था का शिकार हुआ, वो एक बानगी बना। महिला अपराध में देश के अंदर 4वें पायदान पर राजस्थान पहुंच गया। पंचायत राज संस्थानों को पंगु बना दिया। राजस्थान अब आर्थिक आपातकाल की ओर है, पूर्व में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं हुआ और अब TFC और FFC का पैसा जो ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद का वैधानिक अधिकार है उसको भी रोकने का काम इस सरकार ने किया है। पूरे कामकाज विकास के कार्य ठप रहे। मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में अपनी कुर्सी बचाने के लिए 1 सप्ताह में 5 दिन टिके रहे। इस प्रकार का निराशाजनक पहला वर्ष, जो वादे इन्होंने किया, कर्जा माफी की बात कही वो दूर की कौड़ी साबित हुआ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और जो जो वादे किए, ये पहली सरकार है जिसके बारे में आम आदमी कहने लगा कि एक भी वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी। प्रशासन और प्रशासनिक दृष्टि से लकवाग्रस्त रही है सरकार, पूरा कार्यकाल इनका निराशाजनक रहा। आज चूरू के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण डाइट में 147 पदों के लिए तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। DEO माध्यमिक संपतराम बारूपाल ने बताया कि सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक 183 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कर
काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की। अपने चूरू जिले में आज 2018 की भर्ती पीटीआई ग्रेड 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया यहां शुरू की गई है। अपने जिले को चूरू जिले को 147 कैंडिडेट्स यहां उपलब्ध करवाए गए हैं चूरू जिले को, और निर्देशानुसार सवागुणा के हिसाब से 183 पोस्ट हमने यहां जारी की है और उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। काउंसलिंग में कैंडिडेट अपने वरीयता के हिसाब से, अपनी पात्रता के हिसाब से अपना स्थान लेगा और इनको अपॉइंटमेंट, इनका नियुक्ति आदेश भी आज ही जारी कर दी जाएगी। सांसद राहुल कस्वा का आज दूधवाखारा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न गांवों के ग्रामीणों द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा रेलवे से संबंधित कुछ मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सांसद को प्रेषित किया। सादुलपुर में आज अलायंस अस्पताल में SDFC बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 120 यूनिट रक्तदान किया गया। डॉक्टर बसंत कुमार दायमा ने बताया कि शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरकेश बुडानिया ने किया। वह सभी अतिथियों ने रक्तदान की आवश्यकता व महत्वता की जानकारी भी दी। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नेतृत्व में संत समाज ने दबंग 3 मूवी का विरोध कर रतनगढ़ SDM को लिखित में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इस फिल्म में हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने वाले दृश्यों को हटाने व कलाकारों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर संत रामदास महाराज, गंगानाथ महाराज सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम चाहते हैं कि जो वो सीन है ना, वो सीन या तो हटा दो खुशी के अंदर से, जो साधु संतों का है में, वो चाहे और कुछ भी सीन डालो, दूसरा डाल दो। हाँ, ये चाहते हो जो उसमें क्या है, सलमान खान के जो पैरों में जो साधु संत पड़े हैं और है, जो नाच रहे हैं, वो सीन हटा दो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, संतु का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। SP तेजस्वी गौतम के निर्देशानुसार आज चूरू ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चल रहे 3-व्हीलर के खिलाफ एक अभियान चलाकर कागजों के अभाव व अन्य यातायात नियमों के तहत 10 टेम्पो को सीज कर 25 के चालान काटे। जिनमें हमारे TSI साहब ने शहर में चेकिंग के दौरान 10 टेम्पो को कागजों के अभाव में सीज करके पुलिस लाइन चूरू में खड़ा करवाया गया और भी MV Act की धाराओं में कार्रवाई की गई। मैरीगोल्ड वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू के प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों ने नेचर पार्क का भ्रमण किया। संस्थान के निदेशक विनीत चोटिया ने बताया कि आज स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को पहनकर प्रकृति को बचाने की अपील भी की गई। Hello friends, I am a tiger. I am from cat family. My young ones are called cub. We are very few in number. Tiger is a symbol of strength. Tiger is the nurse animal of India. Please save me. Hello friends, I am your friend tree. I give you fresh air. I give you fruits and vegetables. Please friends, don't cut me. I give you lots of things and my friends. पड़िहारा में नव निर्मित प्रजापति भवन का लोकार्पण शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस भवन को हेरिटेज रूप देकर तैयार किया गया, जिस पर 2,80,00,000 रुपए की राशि खर्च हुई थी। समाज सेवी चतुर्भुज तूनवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री अर्जुन प्रजापति ने की। इस अवसर पर प्रजापति समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। सुजानगढ़ में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में बने आपणी योजना के पंप हाउस के नीचे पाइप के लीकेज के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बह गया। पूर्व पार्षद मनोज पारिक ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी को नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए कहते हैं तो पानी की कमी सहित अनेक प्रकार के बहाने बताते हैं। तारानगर में आज स्थानीय विधायक के एक बयान को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कॉमरेड निर्मल कुमार व उमराव सहारण द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमें ये उम्मीद थी कि किसानों के आंदोलन के पक्ष में उनका वक्तव्य आता, लेकिन जो वक्तव्य उन्होंने दिया है कि 16-17 का बीमा क्लेम खातों में आ चुका है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16-17 का बीमा क्लेम 2017 में ही आ चुका था और बहुत कम लोगों का वो बीमा क्लेम बन रहा था। और उन्होंने कहा कि ये लोग, कुछ लोग हैं वो धरना दे रहे हैं, जो गलत तरीके से धरना दे रहे हैं, तो शायद उनके नोटिस में नहीं है। जब वो यहाँ से MLA नहीं थे, इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र से
जब राजेंद्र सिंह राठौड़ एमएलए थे तब इस इलाके के किसान इसी फसल बीमा क्लेम को लेकर के लड़ते थे, एमएलए साहब भी लड़ते थे क्योंकि वो विपक्षी पार्टी में थे। जब यहाँ पे जयनारायण जी पूनिया एमएलए थे तब भी यहाँ का किसान फसल बीमा और दूसरे मुद्दों को लेकर लड़ता आ रहा है। जब आप एमएलए हो तो आपसे उम्मीद ये थी कि आप किसानों की भाषा बोलते, किसानों का समर्थन करते। परसों जब हमारे 5 तारीख को किसानों का तहसील कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में जो वार्ता हुई, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आया, उसने नहीं कहा कि हमने 2018 में बीमा 2018 खरीफ का रबी का बीमा क्लेम बैंकों में भेज दिया। तो आपको किसने बताया? आप सारे पत्रकार लोग भी थे उसमें। तो जब बीमा कंपनी का प्रतिनिधि ये कह रहा है कि अभी हमें इसमें समय लगेगा, वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें जब बीमा कंपनी कह रही है, आप उनसे 2 कदम आगे की बात कर रहे हो। अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कल बुढ़ानिया जी ने यहाँ पर किसान आंदोलन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुढ़ानिया जी ने कहा कि किसान राजनीति करने के लिए धरने पे बैठे हैं। मैं बुढ़ानिया जी को बता देना चाहता हूँ, हमारे जो स्थानीय विधायक है, कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो बीमा कंपनी किसानों का रबी 2017-18 का, खरीफ 2018 का, रबी फसल 18-19 का, जो हमारा पूरे चूरू ज़िले का लगभग 900 करोड़ रुपया, तारानगर तहसील का 300 करोड़ रुपया अभी बकाया चल रहा है। जिले में आम जन के लिए समस्या का कारण बने आवारा व निराश्रित गोवंश से निजात के लिए कलेक्टर संदेश नायक ने एक अच्छी पहल की है। जिले में एक विशेष अभियान चलाकर कस्बों और गांवों में सड़कों में भटक रहे इन पशुओं को जिले की गौशाला में भेजा जा रहा है। निराश्रित पशुओं को गौशाला में भेजे जाने के लिए शहरों में नगर परिषद, पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया है। इसी विषय पर पूर्ण जानकारी हेतु हमारी खास परिचर्चा देखिए पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर निरंजन चिराणिया के साथ। आज के दिन बाजार में एक बहुत बड़ी समस्या है बैल और सांडों की, जो कि गलियों के अंदर मेन मुख्य मार्गों पर विचरण करते हैं और आम आदमी को उनसे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो गए हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ तक स्थिति चली जाती है। आज का जो हमारा विषय है वो इन्हीं पर लेकर है और चूरू जिले में एक ऐसा नवाचार जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा संदेश नायक जी ने जो किया है उसके अंतर्गत जो है वो चूरू जिले में शहर हो चाहे गांव हो, जो भी बैल हैं और जो भी सांड जो फिर आवारा घूम रहे हैं उनको गौशालाओं में जो है वो भेजा जाए, ऐसा नवाचार जो है शुरुआत किया की गई। और ऐसे नवाचार की शुरुआत करने हेतु कुछ जो व्यक्ति जो लगे हुए हैं उनमें प्रभारी के रूप में गौशालाओं के प्रभारी का कार्य देखते हैं डॉक्टर चिराणिया जी, निरंजन जी चिराणिया, आपसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, इसमें क्या आदेश किया गया है और गौशालाओं में जो है वो किस प्रकार इनको भेजा जाए? इसमें क्या है कि आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय ने एक अखबार में न्यूज छपी थी, इसमें एक बुजुर्ग है वो सांडों की लड़ाई में घायल हो गए थे, तो आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए 7 नवंबर को एक आदेश निकाला कि जो आवारा निराश्रित गोवंश है, जो बैल हैं विशेषकर सांड हैं जो है आपस में लड़ते हैं, जिससे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं और वृद्धजन वो विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, तो इन सांडों को और गौशालाओं सुपुर्द किया जाए। जो गौशालाएं इनको लेने से मना करें उन्हें फिर सहायता रोकने पे भी विचार किया जाएगा, लेकिन गौशालाओं का सहयोगी रूप रहा इसमें और सहयोगी रूप रहने के बाद में जिला जो हमारी नगर परिषद है, न्यायपालिका जो शहरी स्तर पे, उन्होंने और ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें उनके माध्यम से इन आवारा निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में भेजने की शुरुआत हुई। तो 1 दिसंबर तक ये 686 गोवंश है उनको गौशालाओं में भिजवा दिया गया। बीच में कुछ ऐसा देखने में आया कि कुछ गौशालाओं को सुपुर्द किए गए और वो आवारा पशु वापस बाजार में आ गए, तो इसके लिए जो नगर परिषद चूरू है उसने पहल करते हुए एक जो रेडियम पेंट है उनके अलग अलग कलर से रेडियम पेंट लगा करके अलग अलग गौशालाओं का अलग अलग गौशालावार उन्होंने ये किया अभियान चलाया। उसके बाद से वो एकदम से उसमें कमी भी आई। साथ में जो निधि नियम 2016 है उसके अंतर्गत हम जो सहायता देते हैं तो उसमें टेप शुदा पशुओं को देते हैं, तो गौशालाओं को हमने ये पाबंद कर दिया है और हमारे जो अधिकारी हैं वो उसमें मॉनिटर करेंगे कि सभी जो आवारा गोवंश लिया जा रहा है उनको टैगिंग कर दी जाए, तो टैगिंग करने के बाद में पर्टिकुलर वो जो गौशाला है उसके टैग लगेगा तो पता चलेगा कि कौन सी गौशाला का पशु
आवारा घूम रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। लेकिन जो गौशालाएँ हैं उनको जब हम गोवंश दे रहे हैं तो उनको हम उतने बड़े पशुओं की सहायता राशि आने वाले समय में देंगे, इसलिए गौशालाओं को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आमजन को इससे बड़ी राहत मिल जाएगी। जी, इसमें कई गौशालाओं की जो क्षमता है वो भी जैसे कम है, पशु ज्यादा नहीं दिए जाए, तो इस विषय में कोई बात नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जिला कलेक्टर महोदय का बिल्कुल स्पष्ट वो मानना है कि जो गौशालाओं की क्षमता है उसके हिसाब से ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। और दूसरा, हम लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा संख्या में गौवंश उनको नहीं दिया जाए। गौशालाएँ, पर्याप्त गौशालाएँ चूरू जिले में 201 गौशालाएँ इसमें बहुत अच्छी पोजीशन में चल रही हैं। इसके अलावा भी लगभग 100 गौशालाएँ ऐसी हैं जो जिनमें पशुओं का संधारण किया जा रहा है, तो चूरू जिले में पर्याप्त गौशालाएँ, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। जी अच्छा, एक ये देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है वो गौवंश चूरू या शहरों में जा रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करने की कुछ प्लानिंग है, या अभी मार्केट में और ज़्यादा पशु जो है बढ़ने की संभावना हो रही है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र से क्या होता है, शहरी क्षेत्र की तरफ से जो आवारा गौवंश उसको हाँक के शहर में ले आते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। इस पर भी जिला कलेक्टर महोदय ने ध्यान दिया, जनप्रतिनिधि ने भी ध्यान दिया और कुछ गौशालाओं ने भी, तो इसके लिए पृथक से हमारे जो आदरणीय सीओ साहब हैं उन्होंने स्टेप लेते हुए और जो सभी विकास अधिकारी उनको पाबंद कर दिया है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र की जो गौशालाएँ उनमें ग्राम पंचायतों के माध्यम से आप आवारा गौवंश का संधारण कराएं, वहाँ थोड़ी जगह की इतनी समस्या भी नहीं रहती, शहरी गौशालाओं में तो जगह की कमी है। तो इस मामले में क्लब साहब ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं जो आपको सब बता रहा हूँ वो प्रगति वाली बातें ही बता रहा हूँ, विस्तृत तो आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय इस मामले में अधिकृत हैं, वही बता पाएंगे, लेकिन मैं अभी जो प्रगति से संबंधित बातें हैं या जो व्यवस्थागत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले समय में ये जो एक इश्यू है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी शहर में ले आए, ये ठीक नहीं बात नहीं है, इसलिए इसको भी रोका जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र का गौवंश ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं में और शहरी क्षेत्र का शहरी क्षेत्र की गौशालाओं में। जी, तो इस प्रकार का मामले में एक निवेदन और कर दूं, अभी बहुत जल्द हम लोग एक जन जागृति अभियान भी इस मामले में चलाने वाले हैं, जो ये सब्जी मंडी है और ऐसे जगहों पे हम लोग एक जन जागृति का अभियान चलाएंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो भी अपने पशु खुले नहीं छोड़ें, और जो आवारा पशु हैं उनके साथ अनावश्यक रूप से कोई क्रूरता नहीं करें, बल्कि उनको संबंधित जो गौशाला है उनको देते हैं। और जो सब्जी मंडी के जो भाई हैं, फल सब्जी विक्रेता हैं, वो प्लस जो दूसरे लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करेंगे कि इन पशुओं को एक जगह रख के उसके बाद में उसमें गौ संवर्धन किया जा सकता है। हाँ, गौ संरक्षण तो हम कर रहे हैं, गौ संवर्धन है वो किया जा सकता है। तो हम ये एक बड़ा स्टेप आदरणीय क्लब साहब ने लिया है, और हम लोग चूंकि उनका ये नवाचार है और इससे लोगों को राहत मिल रही, इसलिए इसको जल्द और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा भी सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप प्रशासन की इस मुहिम में अपना सहयोग दें, जहां भी आपको आवारा गोवंश दिखे आप स्थानीय नगर परिषद को इसकी सूचना दें। वहीं अगर आपको कोई घायल व बीमार गोवंश दिखे तो आप श्री हनुमानगढ़ी गो सेवा चिकित्सालय को भी सूचना दे सकते हैं। श्री हनुमानगढ़ी गौशाला में हम आए हैं और यहां पर एक बैल बाहर से आ रहा था, तो उसके पैर में कुछ रबड़ का फंसा हुआ था, उसके चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं और जो लोग हैं उन्होंने मिलकर उसका वो रबड़ निकाल दिया। तो हम पूछना चाहेंगे व्यवस्था के रूप में जो है भाई साहब यहाँ पर काम देखते हैं, भाई साहब कैसे क्या रहता है, जैसे गौशाला के द्वारा यहाँ पर, हालांकि ये गौशाला नहीं है चिकित्सालय है, तो चिकित्सालय में जो रोज़ के कितने केस आ जाते हैं? तकरीबन 5 से 6 केस पर डे आ जाते हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट है, कहीं किसी गाय के टावरिस गाय और उसके ओड़ांस निकली हुई है, कोई बेचने बैठ गई, ऐसे हमें मार्केट से फोन पे मैसेज मिलता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से गाड़ी को रवाना करके और हमारी टीम जाके उसको रेस्क्यू करती है, तो फिर यहाँ लाके और उसका पूरा उपचार किया जाता है। जी, लगभग इलाज हुई कितनी गायें अभी आपके पास होंगी जिनके पैर जो है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है? विकलांग की कैटेगरी में अपने पास तकरीबन 80 के लगभग गायें और बछड़े हैं, और वैसे यहाँ जितने भी प्रेजेंट में गाय बछड़े और सांड हैं वो यहीं पे उपचार के दौरान ठीक हुए हैं, उन्हीं को हमने रख रखा है। अच्छा, बाकी वैसे हमने किसी को नहीं रख रखा है। अच्छा,
मतलब जो ट्रीटमेंट हो जाता है, हॉस्पिटल है ये एक तरीके से, तो यहाँ पर जो है एडमिट हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है और फिर उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद गायों को तो हम हमारे पास रखते हैं, उनको तो जैसे जिसको आवश्यकता होती है उसको वैसे दे देते हैं, बाकी सांड है उनको छोड़ना पड़ता है, वापस एक जगह सांड रख नहीं सकते और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उतना उनको रख पाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। आज जिला परिषद सभागार में सीईओ रामस्वरूप चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। लायंस क्लब चूरू के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बेडशीट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष लायन सुनील रंजन टकनेत ने की। स्कूल प्रधानाचार्य सुशीला सारण ने पधारे हुए लायंस क्लब सदस्यों का स्वागत करते हुए क्लब की गतिविधियों हेतु क्लब को साधुवाद दिया। विद्यालय चूरू के लिए लायंस क्लब चूरू के पदाधिकारियों ने, सब टीम ने मिलकर आज 100 बेडशीट विद्यालय को दान दिए हैं। पूर्व में भी ये वाटर कूलर, गीजर और जो भी बच्चों के लिए स्वेटर, कोट, जो भी आवश्यकता हुई है हमारा लायंस क्लब देता रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद लायंस क्लब के सभी मेंबर्स को कि वो नीडी बच्चियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आगे भी इन बच्चियों के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो अध्यक्ष जी ने मुझे बताया कि वो लायंस क्लब इनके लिए पूर्ति करता रहेगा और इनको एक एज ए गार्जियन संभालता रहेगा। चूरू के निकटवर्ती रतनगर कस्बे में आयोजित भागवत कथा में आज कथावाचक गोविंद भैया के मुखारविंद से भागवत महापुराण यज्ञ में वामन अवतार का सुंदर चित्रण किया गया। इस अवसर पर वामन अवतार की झांकियां भी प्रदर्शित की गई। रतनगढ़ श्री तालवाले बालाजी स्थित श्याम मंदिर प्रांगण में चल रही श्री कृष्ण कथा में कथावाचिका साध्वी करुणागिरी ने कहा कि बच्चों को संस्कारवान व मेहनती बनाए व भारतीय संस्कृति के संस्कार प्रदान करें। ये था आज का चूरू अपडेट और अब चलते चलते देखते हैं मंगल सिंह महला का कैरिकेचर। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।